हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कुलचा। हाँ जी, कुलचा भी हम आज घर पे बनाएंगे। कुलचा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हो या हाफ ऑफ प्रोपोर्शन में ले सकते हो, हाफ मैदा और हाफ गेहूं का आटा। उससे थोड़ा सा जो आपका कुलचा होगा उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आप हेल्दी बनाना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इसमें अब हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास अजवाइन है, 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, हाथ से क्रश कर लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे है 1/4 टीस्पून ये बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से जो ये कुलचा है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसमें फर्मेंटेशन भी होता है, तो यीस्ट हम नहीं ऐड कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम ये वाला कर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब हमें पहले इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब पहले इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से एक मिक्स कर लेना है। अच्छे से हाथों से इनको मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ही स्लोली ऐड करना है, हमें ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, वैसे वाला सेमी सॉफ्ट डो रेडी करना है कुलचा के लिए, इसीलिए पानी और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है मैंने यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ये आटा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इसके लिए हम इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम रख देंगे। इसको ज़्यादा अभी मैंने मसला नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और हल्के हाथों से अभी मैं इसको मिक्स कर दिया। इसको पूरे आटे में, जैसे मेरा जो ये डो रेडी है उस पे मैंने ये ऑयल सारे पे लग जाए, ऐसे मैंने इसको लगा के अब मैं इस आटे को छोड़ दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए, और तब तक हम हमारी पनीर की स्टफिंग बना रहे हैं क्योंकि हम पनीर कुलचा बना रहे हैं। यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने लिया है ग्रेटेड पनीर, जो मैंने 1 कप अगर मैदा है तो मैंने उसी के प्रोपोर्शन में 1 कप पनीर लिया है। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहो तो क्रम्बल भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेट करने से बहुत ही इवनली स्ट्रक्चर होता है तो स्टफिंग के लिए काफ़ी आसानी होती है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि पनीर का वैसे एकदम ही टेस्ट नहीं होता है कुछ, तो हम इसमें बाकी सारे मसाले अच्छे से ऐड करेंगे। ये है आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है मैंने, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड, मेरी ग्रीन चिली काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तिक्खी है, इसीलिए मैंने एक ही ली है, आप चाहो तो उसके ज़्यादा भी ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और साथ में डलेगा ये धनिया, 1 टेबलस्पून धनिया चॉप कर लिया था मैंने, और बस अब ये हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी हो गया है। अजवाइन जो है मैंने ऑलरेडी मैदे में डाली है जब आटा किया था उसमें, आप चाहो तो अजवाइन आटे के बदले यहाँ स्टफिंग में भी डाल सकते हो। बस अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आधा घंटा हो गया है, अब देखते हैं कि हमारे आटे की क्या सिचुएशन है। आटे को गीले कपड़े से ढक दिया था, अब कपड़ा हटा देंगे। आटा आप देख सकते हो एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हाथों से हमें 5 मिनट कम से कम ऐसे मसलना है ताकि जो हमारा जो कुलचा है उसमें काफ़ी इससे इलास्टिसिटी आएगी, तो इसको अच्छे से आपने मसलना है हाथों से। आप चाहे तो फ्लैट सरफेस पे लेके भी इसको अच्छे से आप मसल सकते हैं अगर आपको कटोरे में नहीं हो रहा है तो, बट मैंने इसीलिए ये बड़ा कटोरा लिया है ताकि मैं इसको अच्छे से मसल सकूं। अब ये आटा एकदम रेडी हो गया है मसल के, आप देख सकते हो मैंने इतना इसमें से आटे का एक पोर्शन लिया है।
इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। आप हाथ से जितना लंबा करना चाहो उतना पहले आप कर सकते हो और फिर इसको हल्के हाथों से बेल लीजिए। अब इस साइज का हमने इसको बेल लिया है। रोटी से थोड़ा सा छोटा साइज है ये और थिकनेस आप देख रहे हो, ये इजीली बेला जाता है अगर आपका आटा एकदम सही हो तो। अब हम इसमें अपना स्टफिंग ऐड करेंगे, ये पनीर का जो स्टफिंग हमने रेडी किया है, और इसको हम चारों तरफ से ऐसे पैक कर देंगे। अच्छे से इसको पैक करना है ताकि ये कहीं से खुले नहीं। अब हाथ से ही पहले मैं इसको, हाथों से ही जितना बड़ा हो जाएगा उतना हाथों से मैं दबा दबा के पहले इसको बड़ा करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा हम बेलन लगाएंगे। ओवल शेप अगर आपको चाहिए तो आप ओवल शेप में बेल सकते हो, जैसे ही आपको शेप चाहिए। जनरली जो कुलचा होता है वो ओवल शेप में होता है तो हम इसको ओवल शेप में ही बेलेंगे। इस कुलचा को फ्रेंड्स आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप छोले के साथ भी सर्व कर सकते हो, और आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी पनीर का स्टफिंग है। मैं आज इसको रायते के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये ओवल शेप में मैंने पूरा इसको बेल लिया है। लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा, ये मेरे पास काला तिल है, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा धनिया है चॉप्ड, उसको इस पे मैंने डाल दिया है, और हल्का सा एक बेलन लगा लेंगे ताकि ये जो हमने ऐड किया है वो अच्छे से कुलचे में हमारे बैठ जाए। अच्छे से अब ये चिपक गया है इसके ऊपर। अब हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर पानी वाला एकदम गीला हाथ हम लगा देंगे। मैंने गैस पे ऑलरेडी तवा रख दिया है, तवा मेरा गर्म है ऑलरेडी। अब मैं ये जो आप देख सकते हो ये जो पानी वाली साइड है उसको मैं तवे के, इसको मैं उल्टा रखूंगी ताकि ये जो साइड है ये तवे पे जाए और मेरा जो कुलचा है वो उस पर स्टिक हो जाए। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आपने नॉनस्टिक तवा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जो आपका कुलचा है वो इस पर स्टिक नहीं होगा। हल्के हाथों से इसको दबा दीजिए ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए, और इसको थोड़ा सा होने दीजिए। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब इस तवे को हम पलट देंगे और आप देख सकते हो ये जो, इसको हमें ऐसे ही सेकना है कुलचे को गैस पे। थोड़ा सा गैस का आंच हम तेज कर देंगे और इसको हम ऐसे ही सेकेंगे। अच्छे से चिपका हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसको, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें ऐड की हुई है। बेकिंग पाउडर है जो इसको अच्छा सा अरोमा दे रहा है। हमने उल्टा ही इसको ऐसे सेकना है, आप देख सकते हो, ये देखिए आप, ये अच्छा सा इस पर एकदम स्पॉट्स आ रहे हैं लाइट। अगर ये नॉन स्टिक तवा आप लेंगे तो उस पर ये स्टिक नहीं होगा, नॉर्मल तवे पे आपके, आप देख सकते हो, फूल के ये कुलचा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के टाइम आपने याद रखना है, जब ये कुलचा हम उतार के रखेंगे तो इसको हम किसी चीज़ पे, थोड़ा सा ये प्लेट में सीधा नहीं रखेंगे, इसमें हम कुछ रख देंगे। मैं एक प्लेट रख देती हूँ मेरी, जो मेरा प्लेट है उसके ऊपर, ताकि नहीं तो नीचे से इसमें पसीना होगा तो ये मॉइस्ट हो जाएगा।
तो इसको अब हम अच्छे से इसमें निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने ऐसे प्लेट रखा है ताकि ये अच्छे से मेरा इसके ऊपर रह जाए। अब मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हो बहुत ही मार्केट जैसा एकदम कुलचा ये बनके रेडी हुआ है। इसके ऊपर बटर से और या घी से आप ब्रश कर दीजिए और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स आप भी ये पनीर कुलचा ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये मेरे कुलचा कैसा लगा। ये काफ़ी इजी है, इसके लिए ना आपको ओवन की ज़रूरत है ना आपको जो बनाने के लिए आता है कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल गैस पे आप इसको बना सकते हैं, नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप भी ये कुलचा ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी कुकिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।